वो उनका विषय आपने सुना। मैं आपको निवेदन कर रहा था थोड़ा सा विषय विचार करें। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, नतेच रागो यथवा विरागः कथम संतप्तसि काम कामतः त्वमेव तत्त्वं विकार वर्जितं निष्कल्पमेकं विमोक्ष विग्रहं नतेच रागो यथवा विरागः कथम संतप्तसि काम कामतः। हम लोगों को जो संसार में वैराग्य करना पड़ता है, तो कहते हैं वैराग्य किसको होता है? शरीर को, मन को, बुद्धि को। तो कहते हैं कि जब तुम आत्मा हो और कैसे हो, विकार वर्जितम, आत्मा में कोई विकार है ही नहीं, तो कैसा वैराग्य है। और निष्कंप में ही कथम विमोक्ष विग्रहम, जब मेरे में मुझे आत्मा में कोई कंपन नहीं है, मुझे आत्मा में कोई गति नहीं है, तो फिर मेरा मोक्ष भी कैसा? जब बंधन ही नहीं है तो मोक्ष कहां से होगा? हम लोग क्या खाओगे, ये होना चाहिए, वैसा क्यों नहीं है, ये हम लोग सोचते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, लेकिन जब कभी भगवान ऐसा ना करे किसी के साथ ऐसा हो जाए, तो उसको कहती है कि अरे मेरा पति मर गया, अब मैं कहां जाऊंगी, अब मुझे क्या होगा। माने पति के मरने का तो दुख नहीं है, लेकिन मैं कहां जाऊंगी, मेरा क्या होगा, दुख यह है, मैं कैसे जीऊंगी। अगर हमारे बच्चे, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करें, कहीं ऐसी अवस्था में हम लोग आ जाएं कि हमारे बच्चे ये सोचने लग जाए कि ये मरते क्यों नहीं, ये कब मर जाएंगे। ये सारी स्थिति हमारे ऊपर निर्भर करती है। तो अवधूत गीता हमको किस तरह से सोचने को बाध्य करती है कि आप किसी के मर जाने से आप मर नहीं जाएंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं, स्वामी राम तीर्थ गुजरांवाला पंजाब में थे, वो महात्मा बन के चले गए, अवधूत बन गए, बच्चों को सड़क के ऊपर बैठा कर छोड़कर, किसी पार्क में छोड़कर चले गए। लेकिन हमने सुना कि वो बच्चे, एक बच्चा उनका इंजीनियर बना, एक बच्चा दूसरा कोई और अच्छा कोई ऑफिसर बना, किसने पालन किया ये उन्होंने चिंता नहीं की। लेकिन तो क्या हम ये सोचें कि हम भी ऐसा करें अपने बच्चों को छोड़कर? लेकिन हाँ, यदि अवधूत गीता कहती, यदि आप परमात्मा के चिंतन में लग सकते हैं तो इससे बढ़िया कोई काम हो नहीं सकता है। दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा कि ये दोनों प्रकार से आपको सोचने की आवश्यकता है। अब एक नतेच रागो यथवा विरागः कथम संतप्तसि काम कामतः, आत्मा में राग भी नहीं है और आत्मा में वैराग्य भी नहीं है। यदि मैं आत्मा हूं ऐसा समझ लिया जाए, राग माने आसक्ति अटैचमेंट, वैराग्य माने डिटैचमेंट। अब देखो, नरसिंह भगवान प्रकट हुए प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, तो कहते हैं नरसिंह का ऐसा भीषण रूप था कि जितने लोग थे सब डर गए, और कोई भी भगवान नृसिंह को देख करके, हिरण्यकश्यप को तो भगवान ने मार दिया, उसकी छाती चीर दी, और उसके बाद भगवान का क्रोध शांत नहीं होता था। कहते हैं गणेश जी को कहा, ब्रह्मा जी ने कि जाओ गणेश जी, थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना करो, लोग तुमको बड़े लड्डू चलाते हैं, लोग जरा सा कहो ना, तो भगवान को शांत हो जाए, गुस्सा कम करे। गणेश जी बोले, नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता। नरसिंह का ऐसा विकराल रूप देखकर गणेश जी बोले, मैं तो जाऊंगा, लेकिन कैसे जाऊंगा, सवारी मेरी चूहा तो भागता है ना, उनको देखकर डरता है। चंद्रमा को कहा, सूर्य को कहा, इंद्रादि देवताओं को कोई नहीं गया, लक्ष्मी जी को कहा, लक्ष्मी जी कहती है मेरे पति नहीं है,
मेरे पति ऐसे थोड़ी हो सकते हैं। लेकिन भगवान को हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से इतना क्रोध आया कि सब डर गए, कोई उनके क्रोध को शांत नहीं कर सका। उसमें तो ऐसी कथा है, उसी पुराण में ऐसी कथा है कि भगवान शंकर ने एक शाब नाम के पक्षी का एक रूप बनाया। जैसे आपने देखा है कई बार सिनेमा में देखते हैं कि कोई बड़ा सा पक्षी आता है और मोटर गाड़ी को कार को ऐसे पंजे में उठा करके ले जाता है। वो कभी कल हमने ऐसा कोई पक्षी देखा तो नहीं, लेकिन ऐसा पक्षी हमने भगवान शंकर का एक अवतार सुना, सरव अवतार, सरव नाम का एक पक्षी, भगवान वैसे पक्षी बने और भगवान ने नृसिंह को पंजे में उठाया और उठा करके ले गए कैलाश में, ले जाकर फ्रीजर में रख दिया और वहां ठंडा किया। ऐसी कथा मिलती है, सरव अवतार की कथा, भगवान सरव बने शंकर भगवान की। लेकिन यहां प्रहलाद जी ने, सारे देवताओं ने कहा प्रहलाद जी ये आपके कारण उन्होंने ऐसा विकराल रूप बनाया, आप इनको कहो कि शांत हो जाए। प्रहलाद जी नहीं डरे, भगवान शांत हो गए। प्रहलाद ने चरण छुए, प्रहलाद ने उनकी स्तुति की तो भगवान शांत हो गए और प्रहलाद से कहने लगे कि प्रहलाद तुम क्या चाहते हो। प्रहलाद ने पहले तो कहा मेरे पिताजी की दुर्गति नहीं करना और दूसरा मेरे पिताजी को अच्छे लोक में भेजना, फिर मेरे पिताजी से कोई विरोध नहीं है। प्रहलाद ने देखो ऐसा कहा कि बोले तेरे साथ इतने अच्छे अचार किए तेरे पिता ने, ये तेरा पिता है? बोले मेरा पिता है क्योंकि उसने मुझे जन्म दिया है। फिर बेटा तू कुछ मांग ले, हमारे महात्मा तो बड़े अच्छी हंसी की बात कहते हैं कि भगवान ने नृसिंह ने प्रहलाद को गोद में बिठाया और बोले बेटा कुछ मांग ले, तो प्रहलाद जी हंसने लगे, बोले प्रभु आप मुझे गोद में बिठाकर कहते हो कुछ मांग ले, कि गोद में कोई बैठता है तो गोद में बैठने वाले का सारा उसी का हो जाता, किसी को गोद ले लिया है तो मैं तो आपकी गोद में बैठ गया, आपका सारा संसार का मालिक में हो ही गया। लेकिन नहीं, प्रहलाद तुम उससे कुछ मांगो। भगवान ने कहा बार बार मांगने को कहते हो, बार बार मांगने को कहते हो, लेकिन मैं एक चीज मांगता हूं। बोले क्या? कि ये मांगने की जो आदत है यही मेरी हटा दो। देखो प्रहलाद ने कहा क्योंकि मैं जब मांगता हूं संसार में आप बाबा बोलते मांग 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 मांग, ऐसा देखा भागवत आदि कथाओं, तो इसका मतलब आप मेरे मन की सूक्ष्म वासना को जानते हो। मेरे मन में कोई सूक्ष्म वासना है जिससे मैं चाहता हूं, कामना है मेरी, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। संसार में ऐसा ही तो होता है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले तेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। भगवान से मांगा तो सही, भगवान ने जो मांगा वो दे तो दिया, लेकिन हमने कम क्यों मांगा, ये हमको दुख रह जाता है। अरे और मांग लेते तो कितना अच्छा रहता, वो भी तो मिल जाता ना। लेकिन मेरी ये मांगने की वृत्ति ही मिटा दो। हमने आपको कल एक कथा सुनाई थी परवाहिल्ला स्वामी की, परवाहिल्ला कि उनको कोई परवाह नहीं, किसी ने अपमान भी किया तो कोई परवाह नहीं, वो उत्तर भारत के महात्मा दक्षिण में चले गए थे, वहां उनको उन्होंने सोचा कि मैं अद्भुत गीता पढ़ के यहां रियलाइज करूंगा मैं आत्मा हूं, और वहां दक्षिण भारत में जाकर उन्होंने देखा कि वहां कोई उनकी भाषा समझ में नहीं आएगी, बढ़िया साधना यही होगी। और वहां उन लोग बोलते थे इसके समझ में कुछ आता नहीं था, एक शब्द याद कर लिया और दूध के जैसा मिलता था, परवाह मिला कोई परवाह नहीं और बस तैयार है, बाबा जी हमें आशीर्वाद दो, परवाह मिला, बाबा जी हमारा काम बना दो, बोले परवाह मिला, पर बाबा जी भिक्षा ले भोजन करोगे, परवाह मिला। लेकिन बाद में किसी को आशीर्वाद, उसने सिर पर हाथ रखवा लिया जबरदस्ती, हमारे मेरा मुकदमा जीत गया, मुकदमा जीत भी गया, उसने आके खूब माला पहनाई, खूब इनकी प्रशंसा की, खूब इनको मिठाई खा कर दी, मिठाई खाने को दी, लेकिन ये वैसे ही रहे बिल्कुल ना खुश न दुखी, पर वाला बाद में उनके ऊपर एक लांछन लगा दिया। वो एक लड़की को किसी से प्रेम था, वो गर्भवती हो गई, उसके माता पिता ने उसको बहुत मारा, बताओ उसने उसकी रक्षा करने के लिए बाबा जी का नाम ले दिया। बोले किसका गर्व है? बोले पर वाला स्वामी। तो लोग आए उसको मारने पीटने के लिए, खूब बाबा जी को डंडे लगाए, खूब मारा, खूब पिटे, लेकिन उसके बाद में बाबा जी पिट रहे हो? बोले पर वाला, खूब पिटते रहे,
लेकिन भागे नहीं, कहीं गए नहीं, वहीं बैठे रहे। लोगों ने क्या किया, उस लड़की को लाके उनके पास रख दिया, उन्हें तुम्हारी पत्नी है, इसी को अपने पास रखो। उन्हें रखोगे पड़वा इनका वहीं रह गई। उसके बाद में पता चल गया वो लड़का आया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम्हारा गर्व मेरे तुम्हारे घर पेट में मेरा गर्व है। उसने कहा ठीक है, लेकिन सब लोगों को बताओ। उसने सब लोगों को बताया कि मेरी पत्नी है। तो सब लोग जो मारने पीटने आए थे वो दोबारा से आए और बाबा जी की क्षमा मांगी। बाबा जी क्षमा कर दो, हमसे बड़ी गलती हुई, बोले पर हुआ अल्लाह। तो उसने भी लोगों ने उनका आश्रम बनाया, उनकी खूब पूजा करी। लेकिन महात्मा तो कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, सतगुरु बात बखानी। ये शरीर है, शरीर में आत्मा है और आत्मा सारे संसार में है। तो जरा कल्पना करो, ऊपर वाले स्वामी को जो मुक्ति मिली अद्भुत गीता में जो बताया मोक्ष का लक्षण, कि मुक्ति किसको कहते हैं, मुक्ति कहीं से मिलती नहीं है। आप कल्पना करो घड़े में पानी है और वो पानी से भरा हुआ घड़ा किसी नदी में रखा, समुद्र में पड़ा हुआ, लेकिन अगर उसको तोड़ दे कोई घड़े को तो समुद्र का पानी और घड़े का पानी एक हो जाता है। ऐसे ऐसे महात्मा का जब ये शरीर छूट जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है, तो घटाकाश महाकाश में मिल जाता है और कोई अंतर उसको नहीं होता। पांचों तत्व अपने अपने तत्वों में मिल जाते हैं, इस प्रकार का बोध होता है। तो ये अवधूत गीता के दूसरे अध्याय में दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा कि देखो, आदि मध्यांत मुक्तो हम न बद्धो हम कदाचन स्वभाव निर्मल शुद्ध इति नहीं निश्चिता मति। हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि आदि मध्य और अंत, माने शुरू में भी मैं बंधन में नहीं था, बीच में भी मुझे कोई बंधन नहीं है और आज भी या मैं जब मरूंगा तो भी मैं बंधन में नहीं हूं। आदि मध्यांत में मुक्त हूं और स्वभाव निर्मल, मैं स्वभाव से ही मुक्त हूं, मैं स्वभाव से ही शुद्ध हूं। बात क्या है कि हम लोग शुद्ध हो जाएंगे, हम लोग पवित्र हो जाएंगे, थोड़ा सा पुण्य कर लेंगे। मैंने भी आपको बताया जैसे हाथी स्नान करने के बाद फिर अपने सिर पर कीचड़ डाल लेता है, तो हम कितने ही पुण्य संसार में करेंगे, दान करेंगे, नाम जपेंगे, फिर हम शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन फिर हम कोई पाप करेंगे तो फिर से उसके करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए प्रायश्चित्तम विमर्शनम, विमर्शनम ज्ञानम, मैं शुद्ध हूं, पहले से ही शुद्ध था, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा भाव जो दृढ़ हो जाता है। हमने आपको एक बात बताई थी कि एक कुमार ने जो गधे, दो गधे रखे हुए थे कोई बर्तनों को सामान ले जाने के लिए, बच्चों ने, कुमार का जो घर था वो क्रिकेट ग्राउंड के पास में था, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और अचानक बच्चों का बैट बॉल, वो जो बैट टूट गया तो थोड़ा सा खेल बचा था, बच्चों ने कहा बैट तो है नहीं, खेल कैसे पूरा करें। तो अचानक किसी को समझ आई कि यहां कुमार का घर है और वहां पर गधे भरे रहते हैं, गधे तो दिन में चले जाते हैं कहीं काम से, तो वहां रस्सी है, रस्सी थोड़ी सी एक ले आओ और रस्सी से थोड़ा बैट बांध कर किसी तरह से आज का काम चला लो। बच्चों ने ऐसा ही किया, एक गधे की रस्सी उठा लाए, बैट बांध कर अपना खेल पूरा कर लिया। जब वो खेल पूरा हो गया तो बच्चे तो बच्चे हैं, और रस्सी वहां तो रख के आनी नहीं थी, रस्सी फेंक दी। लेकिन कुमार के गधे शाम को आए, सारे गधे बांध दिए, एक गधे की रस्सी नहीं, अब वो गालियां देने लगा, मेरे एक गधे की रस्सी कौन ले गया, किसी ने कह दिया बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने रस्सी उठाई थी, बच्चों को गालियां देने लगा। एक महात्मा ने कर रहे थे, महात्मा ने कहा बच्चों को क्यों गाली देते, बोले वो मेरी रस्सी ले गए। बोले रस्सी का करना क्या है, बोले मुझे गधा बांधना है। बोले अरे बिना रस्सी के बांधो ना, बिना रस्सी के मैं गधा कैसे बांधू। बोले बिना रस्सी के तो दुनिया बंधी पड़ी है, सारा संसार बिना ही रस्सी के बंधा पड़ा है,
सबको बंधन है, ये बंधन और मोक्ष का लक्षण जो तथा मैं बंधन में नहीं हूं, मैं मुक्त नहीं हो जाऊंगा, इसको समझाना है। तो कहते हैं कि देखो इतना बड़ा संसार बिना रस्सी के बंधा हुआ है, आपको विश्वास से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उसके गले में रस्सी है, कामना की रस्सी है। किसी को धन की इच्छा है, किसी को सम्मान की इच्छा है, वो रस्सी बंधी है। तो कहते हैं बिना रस्सी के कैसे बांधो, बोले बिना रस्सी के वो गधा है, उसको ऐसे घुमा देना, उसकी टांग में झूठ बोल को हाथ घुमा दे, ऐसे हाथ में हाथ घुमाया उसकी टांग में और गधा चुपचाप खड़ा हो गया। रात को 20 बार उठ के देखा गधा कहीं गया नहीं, लेकिन कहीं गया नहीं। अगले दिन सवेरे उठा, बाबा जी को सोचा बाबा जी आपको धन्यवाद दूं, आपने बड़ा अच्छा उपाय बता दिया, आपने बड़ी अच्छी तरकीब बताई कि मैंने बिना रस्सी के गधे को बांध दिया। बोले देखो ये मैंने रस्सी की बात इसलिए बताई कि हम लोगों को जो बंधन हुआ है संसार में, जैसे गधे को जैसे बंधन हुआ है, आप लोग बुरा ना माने, लेकिन जैसे गधे को बंधन हुआ कि उसको हाथ घुमाया तो उसने समझ लिया कि मैं बंध गया हूं, ऐसे ही एक बहुत बड़ी बात अवधूत गीता में कही गई है, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनना, उसके प्रति दुर्गुण मत रखना, क्योंकि ये तो शास्त्र की बात है, ये हमारे थोड़ी हमारे स्टेटस के ऊपर की बात है, सुननी चाहिए, समझनी चाहिए हमें कहां तक जाना है। तो कहते हैं पहले लोग गंगा जी जाने स्नान करने जाते थे, पैदल जाते थे, गंगोत्री जाना है तो पैदल जाके स्नान, काशी जाना है, इलाहाबाद जाना है। आजकल मैं इलाहाबाद गया तो मैं यहां से गया था तो पिछली बार, और मैं हवाई जहाज से पहुंच गया और इलाहाबाद भी हवाई जहाज से पहुंच गया, वहां भी कोई मुझे लेने आ गए तो वहां भी कहां से पहुंच गया, कोई हमें कष्ट नहीं हुआ, आराम से वहां गए तो हमारे साथ जो महात्मा के पास रुके थे उनकी सिक्योरिटी थी, जाके आराम से स्नान हो गया, ये पता ही नहीं चला स्नान का, तो पुण्य भी वैसे ही पता ही नहीं चला कि कुछ पुण्य भी हुआ कि नहीं हुआ। तो जब हम लोग कुछ तपस्या करते हैं, कुछ खर्चा करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं तो हमको लगता है कि हाँ कुछ पुण्य हुआ, तो हमें लगता है जैसे महात्मा गुरु मिलते हैं, ज्ञान का उपदेश करते हैं, ये मंत्र जपो, ये आप अन्यथा नहीं लेना, लेकिन अवधूत गीता ये सारी पूर्ण पट्टी बताती है कि ये जितना भी तुम तीर्थ में जाते हो ये तुम्हारा ही भ्रमण निराकरण हो जाता है, तुमको लगता हाँ अब ठीक हो गया, अब मेरा भ्रम, अब मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा। इस तरह से गुरु में श्रद्धा विश्वास होता है, वो तो रखना पड़ेगा, कि जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक हमें गुरु में विश्वास श्रद्धा सब रखना पड़ता है। तो ये लेकिन बाद में स्वभाव निर्मल आप अपने स्वभाव से ही बंधन में नहीं हो, आत्मा का स्वभाव ही मुक्त स्वभाव है आत्मा, लेकिन मैं उसको बंधन में मानता हूं, इसलिए ये बताया। अब देखो यदि नाम न मुक्तोसी न बद्धोसी कदाचन साकारं निराकारं अस्मान मन्यते आत्मानं मन्यते कथम, यदि तू मुक्त नहीं है तो तू बंधा भी नहीं है। आपने रामायण में यही बात, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी सो माया बस भयो गुसाई बंधो कीर मरकट की नाई, ये जो तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया कीर और मरकट, मरकट कहते हैं बंदर को और कीर कहते हैं तोते को, कहते हैं ये कीर और मरकट कैसे बनता है, जैसे उसको बंधन होता है वैसे हमें भी बंधन होता है और हमें भी मोक्ष होता है। ये तो रामायण ने भी बताया, ये अद्भुत गीता की बात रामायण ने तुलसीदास जी ने ली। मरकट को कैसे बांधते हैं, छोटे एक मुंह का बर्तन लेते हैं और वो पारदर्शी जैसे शीशे का कोई एक जार लिया और वो इतना बड़ा उसका मुंह रखते हैं कि उसमें हाथ चला जाए और उसमें चने भरे हुए होते हैं, और अगर वो चने को भर लिया जाए तो फिर निकले नहीं, बस हाथ खाली चला जाए, खाली हाथ आ जाए, इतना ही वो बर्तन का मुंह होता है। चना बंदर को चना बड़ा प्रिय होता है, बंदर ने देखा शीशे के जार में ये चने रखे हुए, उसने देखा कि इसमें हाथ को चना निकालने की जगह भी बनी हुई है, जब से उसने हाथ डाला और चना उसने मुट्ठी भर ली, लेकिन जब मुट्ठी भर लिया तो खींचने लगा, लेकिन वो तो बंदर है, अब हम
लोग हंसते हैं बंदर के ऊपर कि बंदर अगर मक्खी को छोड़ दे तो वो तो हाथ निकल आएगा, लेकिन मक्खी छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसको चना खाना है, इसलिए वो चना उसको लोग कितना ही समझाए उसके बंदर आकर के तो मुट्ठी छोड़, नहीं नहीं मुट्ठी नहीं छोड़ेगा, मुट्ठी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उससे वो तो कहीं जा नहीं सकता, वो तो शीशे का उसको जोर लगाता है कितनी जोर लगाएगा, लेकिन उसका उपाय तो यही है कि छोड़ गया मुट्ठी तो निकल आएगी, लेकिन चर्चा नहीं के कारण अब वो कहता मैं बंद गया, मैं बन गया। अब हम सोचेंगे वो बंद कैसे बन गया, बंदो कील बरकट की नहीं, मरकट के जैसा हम बने हैं संसार में, और उसने उस तरह से निकाला निकाला नहीं, चोर चने छोड़े नहीं, हाथ निकाला नहीं, तब तक जो पकड़ने वाले थे दौड़ के आगे फट से बोले हम तुमको छुड़ाते हैं, छुड़ाना क्या था उसको, पकड़ लिया उसको, ले जाकर उसको घरों घरों में नचाने के लिए और बंदर को रख लिया, हमेशा के लिए बेचारे को बंदर को बांध, जो मुक्त बंदर था हमेशा घूमने वाला। एक महात्मा की कथा है, एक महात्मा जी रास्ते में कहीं जा रहे थे, एक उनके मित्र थे, तो बोले चलो गंगा जी स्नान करें, गंगा जी स्नान करने लगे, तो स्नान करते करते उसने कहा सुनो देखो गंगा जी में कितना सुंदर कंबल बहा हुआ जा रहा है, कंबल बहा हुआ, उसने कहा मैं खोज के कंबल ले आऊं क्योंकि ठंडी पड़ेगी तो विंटर में काम देगा, उसने कहा देख लोग नहीं करते कंबल बाजार से ले लेना, बड़ी वो बढ़िया कंबल है, देखिए बड़ा सुंदर लग रहा, बड़ा मोटा कंबल है, कूद पड़ा और कूद पर जो उसने कहा जल्दी आता क्यों नहीं, अरे जरा जा, बोले नहीं कंबल मुझे छोड़ता नहीं, बोले कंबल नहीं छोड़ता, उसने देखा तो कंबल नहीं था वो रीछ था, बेर भालू, भालू ने उसको पकड़ लिया, भालू ने कहा बढ़िया भोजन मिल गया आज, तो भालू ने उसको पकड़ लिया, तो वो कंबल समझ के जैसे कूद पड़ा था वो कंबल नहीं था। तो बंधन का कारण जैसे बंदर को हुआ या इस महात्मा को हुआ कंबल समझ के, जो भालू को कंबल समझा, ऐसे ही तोते को कैसे बंधन होता है, तोता कोई जैसे एक पेड़ पर तोते बैठे हुए हैं और वो तोता क्या करता है, बंधो कीर मरकट की नाई, उसमें मान लीजिए प्लास्टिक की जो एक जो खोल होता है, जैसे प्लास्टिक ऊपर से चढ़ा देते हैं और वो इस तरह से कुछ फिरकी होती है उसको बांध देते हैं पेड़ के ऊपर, और वो तोता उस फिरकी के ऊपर आकर बैठता है, उस डाली में या धागे में रस्सी में फिरकी लटकी हुई है उसके ऊपर तोता बैठा, अब वो फिरकी होती है वो प्लास्टिक होती है थोड़ी ढीली होती है, उसके ऊपर पैर रखता है वो घूम जाती है, तोता नीचे हो जाता है और उसको जकड़ लेता है, लेकिन तोता ये भूल जाता है कि इस फिरकी को मैंने पकड़ा हुआ है, और वो चिल्लाता है कि फिरकी ने मुझे पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया, मुझे बचा, ये साइकोलॉजी है, तोता पकड़ने वाले ऐसा करते हैं, रस्सी बीच में होती है उसके ऊपर घूमने वाली प्लास्टिक होती है उसके ऊपर तोता बैठता है और तोता उसको पकड़ता है, अपनी खुद पकड़ता है, लेकिन वो भूलता है कि मैंने पकड़ा है, वो लटक जाता है उल्टा, शोर जाता है बचाओ बचाओ, लेकिन उसको ये समझ नहीं आती कि मैं पंजे छोड़ दूं, क्योंकि एकाएक ऐसा होता है ना, इसी प्रकार के हम लोग जीव संसार में बने हैं। तो कहते हैं अद्भुत गीता में दत्तात्रेय जी ने एक बहुत बढ़िया बात बताई हम लोगों के लिए, कहते तुमको ये जो स्थिति प्राप्त करनी है उसको तुम्हें ज्ञान लेना होगा, बोले ज्ञान किससे लेना होगा, बोले गुरु से, बोले गुरु कहां मिलेगा, कहां ढूंढने जाओगे, बोले तुमको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, जैसा आपने अभी देखा 24 गुरु, बोले बालक से बा विषय भोग रहस्य वापी मूर्खस्य सेवक जनस्य गृहस्थस्य एतद् गुरोः किमपि नैव चिन्तनीयम् कथं त्यजति कोऽपि शुचौ प्रविष्टम्। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो मैं प्रोसेस तुमको बता रहा हूं, तुम एक गुरु के चक्कर में पड़े रहोगे और जीवन भर तुम्हें कोई गुरु मिलेगा नहीं, और एक गुरु भी तुमको कहीं झंझट में डालने वाला मिल गया तो जन्म जन्मों का बंधन तुमको पड़ा रहेगा, तुम तो गुरु की सीट हमेशा खाली रखो, कोई बच्चे से तुम्हें अच्छी शिक्षा मिल जाए वहीं से ले, किसी परिवार वाले से, किसी ग्रह बोले तो ग्रह आदमी है ये मेरा गुरु थोड़ी इससे मैं थोड़ी सीखूंगा, बोले तुम्हें मिल रहा है सीख लो। दत्तात्रेय जी कहते हैं बालक सेवा ये तो विषय भोगी है, बोले भोगी है लेकिन इसके पास ज्ञान है ले लो,
उसे शिक्षा ले। मूर्ख से मूर्ख आदमी हो लेकिन आपको ज्ञान मिलता हो उससे ले लो, आपका नौकर हो सेवक हो उससे भी ले लो। और एतद् गुरुः किमपि नैव चिन्तनीयम्, कभी भी मत सोचना कि वो ऐसा है तो मैं उससे ज्ञान ना लूं। बोले फिर उससे उदाहरण दिया, कथम त्यजति कोऽपि अशुचौ प्रविष्टम्, कि कोई सोना हो रत्न हो अगर गंदी जगह पड़ा हुआ है तो हम उसमें कोई भी संकोच, एक 10 लाख रुपए की 10 लाख डॉलर की एक चीज पड़ी है लेकिन वो शौचालय में है गंदगी में पड़ी हुई है, हम उसको उठाएंगे तो हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे तो कौन सोचेगा, कौन देख रहा है? उठाओ जल्दी से हाथ धो लो, मांज लो, खूब गंगा जी में गंगा जल से धो लो, लेकिन उसको थोड़ी छोड़ेंगे जो हमें मिल रहा है। वैसे ज्ञान कहीं से भी मिले। और एक और बात बताई, सिंदूर चित्र रहिता रोगी रूप शून्य पावन किम नैति नौर्य गंतु कामान। कहते हैं आत्मज्ञान, अब ज्ञान आपको प्राप्त करना है तो एक नाव होती है, नाव में उसने रंगीन कपड़े लगाए हुए हैं, बेल बूटे बनाए हुए हैं, फूल बनाए हुए हैं और वो सजाई हुई है नाव बहुत बढ़िया। अब कहेंगे हम तो इस नाव में बैठेंगे क्योंकि ये सजी हुई है, लेकिन एक आदमी उसकी नाव बड़ी मजबूत है लेकिन वो बस लकड़ी जैसी उसने ला करके जैसे कैसी वो रख दी है, लेकिन कहते हैं कि वो जो टूटी फूटी जो नाव है या जैसी भी तैसी नाव है उसमें कहीं रंगीन कपड़े नहीं लगे, कलाकारी नहीं है तो वो भी तुमको पार ले जा सकती है। इसलिए ये नाव खूबसूरत है सुंदर है ये देखने की कोई जरूरत नहीं। बताते जी महाराज कहते कई बार आपकी बात हम नहीं करते, कई बार हम लोग ये सोचते रह जाते हैं कि हमें गुरु तो बनाना है दीक्षा तो लेनी है, पर आज के समय में सबसे बड़े महात्मा कौन है? उन्हीं का गुरु है ना, जिनको क्योंकि उनके जिनके कम से कम करोड़ों शिष्य हो हमारे, हम किसी को कहें तो हमको ये तो कहे ना हमारे अमुक हमारे गुरु भी हैं, और हम कह देंगे वो छोटा सा वो महात्मा हमारा गुरु है। तो फिर ऐसे दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं देखो ये सब क्योंकि वो चित्र बनी हुई नाव भी आपको ले जाएगी और जिसमें चित्र नहीं है वो नाव भी आपको पार कर देगी। इसलिए हमारे जो 2 मिनट गुण रही आत्मज्ञान की नौका लेकर सतगुरु करे पुकार, आत्मज्ञान की नौका लेकर सतगुरु करे पुकार, आ मेरी कैया में ले जाऊंगा नहीं आ रही करें।
जिनने घटा आकाशम आकाशे मिलियते यथा देहा भावे तथा योगी स्वरूपे परमात्मनि। जो आत्मा रूप से परमात्मा को चिंतन करता है, मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं, निराकार हूं, ऐसा अपने को जो हमेशा सोचता रहता है, तो कहते हैं उसका जब ये शरीर छूटता है तो जैसे घटे भिन्ने घटा आकाश, जैसे घड़े के फूट जाने पर घड़े का आकाश महा आकाश में मिल जाता है, वैसे वो योगी परमात्मा में मिल जाता है। देहाभावी तथा योगी स्वरूप परमात्मा, परमात्मा के स्वरूप में मिल जाता है। हम लोगों को वैसा भ्रम, जैसे एक महात्मा ने गणेश जी की मूर्ति, महात्मा को कहीं से कुछ धन इकट्ठा हो गया, पहले महात्मा लोग बैंक में कौन जाए पैसा जमा करे फिर निकाले, उसे सोचा कि कौन चक्कर में पड़े, बड़े महात्मा लोग समझदार होते, वो गणेश जी की पूजा करते थे, उन्होंने सोचा कि गोल्ड ले लेते हैं, इतना पैसा सबका गोल्ड खरीद लिया और सुनार के पास ले जाकर उससे गणेश जी की मूर्ति बनवा ली, 10 तोले की जो मूर्ति ऐसी आराम से बनवा ली। अब 10 तोले की मूर्ति बनी तो उसने सुनार ने कहा कि ऐसा है ये मूर्ति तो तुमने बनाई, इसके लिए फिर चूहा भी तो चाहिए सवारी। बोले कि ठीक है ऐसा करो, और मेरे पास थोड़ा सोना रखा है, बोले उसकी उसके चूहा बना दो, बोले उसके लिए 20 तोला सोना चाहिए कम से कम। बोले ठीक है, 20 तोला सोना ला के 20 तोले के गणेश जी बनवा लिए और 20 तोले का चूहा बना लिया, क्योंकि चूहे के ऊपर गणेश जी को बिठाना था, थोड़ा चूहा मजबूत चाहिए। लेकिन अब बाद में अचानक गुरु जी का शरीर शांत हो गया, अब बोले पैसा कहां से लाए, बोले छोड़ो गणेश जी और चूहे को भेज देते हैं, दोनों को आराम से भंडारा करेंगे गुरु जी का, सब लोगों को भोजन कराएंगे। सुनार के पास गया, सुनार से जाकर बोले भाई देखो ये हमारे गणेश जी हैं और चूहा है, इनको आप खरीद लो और हमें पैसा दे दो, हमें गुरु जी का भंडारा करना है। उसने कहा ठीक है, तो मान लीजिए $100 का एक तोले सोना उस समय रहा होगा, तो 100 के हिसाब से उसने देखा कि 20 तोले के दो हिसाब से चूहे के तो इतने पैसे हो गए, और 10 तोले का जो गणेश जी है तो उसके आधे पैसे हो गए। तो महात्मा जी सुनार से लड़ने लग गए, बोले तो मूर्ख है, अरे गणेश जी के ज्यादा पैसे होने चाहिए, चूहे के तो चूहा तो उनकी सवारी है तो उनके पैसे ज्यादा बताता है। सुनार ने कहा भैया मैं क्या कर सकता हूं, अरे नहीं उसे सुनो तो उन्हें चूहे के ज्यादा पैसे मत दो, गणेश जी के ज्यादा पैसे दो, चूहे के कम, बोले तुम्हारे चूहे में सोना कम है, बात क्या है। सुनार ने कहा कि मेरी दृष्टि सोने में है और तुम्हारी दृष्टि गणेश जी और चूहे में है, तो हम लोग संसार में नाम और रूप में अपनी दृष्टि रखते हैं, बाकी वो सुनार सोने की दृष्टि रखता है। तो जैसे मैंने कहा पंजा दा तलभूत बना के विच बढ़ बैठा, आपे वे आपे धिया आपे पुत्र आपे बणियो मापे वे, आपे जमे आपे मरे आपे करे सियापे वे, मुरले शान मुर्शिद मिलिया मुर आपे दा आपे वे। तो इस प्रकार से ये समझना चाहिए। अब इसमें और दो चार बातें कहकर हम जल्दी से विश्राम दें। शंकराचार्य जी ने अवधूत गीता जो कहती है, अवधूत गीता कहती है कि आत्मा को किसी तीर्थ में जाने से कोई लाभ नहीं होता। हम लोग तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ में जाकर हमें यह ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं। हमको पूजा करने से ये आकाशी जाते हैं। आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी का मैं आपको वचन कहूं, क्योंकि कई लोग दत्तात्रेय जी की अवधूत गीता से उतने परिचित नहीं है, कोई बात नहीं, वही बात शंकराचार्य भगवान ने कही, जरा सुनिए। उनका कहते हैं काशी पंचक एक 5 श्लोकों का संग्रह है, उसमें बहुत अच्छा अंतिम श्लोक है। कहते हैं काशी क्या है, शंकराचार्य जी कहते हैं काशी क्षेत्रम शरीरम, ये मेरा शरीर काशी है। जरा देखना, क्योंकि हम यहां बैठे हैं, भगवान करे आप काशी चले जाओ, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं कि जो वैंकूवर छोड़कर काशी जा सकते हैं, बड़ी समस्या है, कई आर्थिक समस्या ही नहीं और बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी, चलो सोच लेंगे कहेंगे, लेकिन उसके लिए अवधूत गीता कहती है, शंकराचार्य भगवान कहते हैं बहुत बढ़िया बात, ये शरीर काशी है भाई, काशी क्षेत्रम शरीरम त्रिभुवन जननी व्यापिनी ज्ञान गंगा, और इसमें गंगा कौन सी है, जो आप सत्संग में से ज्ञान ले रहे हैं वो गंगा है। ये शरीर है काशी
और आपको जो ज्ञान हुआ है आत्मा का अनात्मा का, वो है गंगा जी। और बोले उसमें गंगा जी के किनारे एक बहुत बढ़िया तीर्थ है, बोले क्या गया, गया जी में हमारे पितरों का उद्धार होता, बोले गया जाना है। तो भक्ति श्रद्धा गयम, आपकी भक्ति और श्रद्धा ही गया है। आपकी जिस दिन भक्ति भक्ति परिपूर्ण हो गई, समझ लो आपने गया जी में जाकर अपने पितरों का उद्धार कर दिया। भक्ति श्रद्धा गयम, अब बोले प्रयाग जाना है महाराज हमको। तो कहते निज गुरु चरण ध्यान योग प्रयाग, शंकराचार्य जी कहते हैं अपने गुरु जी के चरणों का जो ध्यान करते हो वो प्रयाग है, वो प्रयाग है। और बोले फिर बोले हमें काशी जाना है, शंकर भगवान कौन है? तो विश्वेश्वरम तुरीय, तुरीय कौन सा था? चतुर्थ माने स्थूल सूक्ष्म कारण, तीन शरीर है, और चौथा जो है, चौथा कौन है? वो आत्मा। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर कारण शरीर है, और चौथा है आत्मा, आत्मा के शरीर। तो वो आत्मा कौन है? वही विश्वनाथ है जो हमारे भीतर हमारे शरीर में बैठे हैं। विश्वेश्वरम तुरीय, सकल जल मन साक्षी भूत और आत्मा, जो सबके संसार के प्राणियों के मन के और अंतरात्मा के साक्षी हैं। और देहे सर्वम मदीय यदि वसति पुनः तीर्थ मन्नत की मस्ते। तो कहते जब ये सारे मेरे शरीर में ही रहते हैं तो बोले फिर मुझे किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता क्या है? अवरुद्ध गीता भी बिल्कुल यही कहती है। अब ना पृष्ठ देखो, अवरुद्ध गीता में न प्राण संडियो, जो हमारे गुण विगुण विभागो वर्तते नहीं किंचित, प्रतिवृत्ति विहीन निर्मलम निष्प्रपंचम, गुण विगुण विहीन व्यापकम विश्वरूपम, कपवी वंदे व्योमरूपम शिवम वही। अब थोड़ा सा आप सावधानी से सुनना, क्योंकि अवधूत गीता में कई बार हम लोग सोच लेते हैं कि ये क्या है, ये तो इसको तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। कहते हैं मुझे शिव जी को प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो यह अवधूत गीता, क्यों? गुण विगुण विभागो वर्तते नैव किंचित, रति विरति विहीनम निर्मलम निष्प्रपंचम, गुण विगुण विगुण विहीनम अव्याप्तम विश्वरूपम, कथम ही वंदे व्योम रूपम शिवम वही। बोले मैं शिव जी को कैसे प्रणाम करूं, क्योंकि शिव जी आकाश रूप है और वो कहीं किसी वस्तु में नहीं है, किसी शिवलिंग में नहीं है, वो तो कहां नहीं है। जैसे उसने कहा कि गॉड इज नो वेयर, लेकिन महात्मा ने गॉड इज नो वेयर को वेयर का डब्लू और नो को मिलाकर गॉड इज नाउ हियर, ईश्वर इस समय यही है। तो वहां उनको कहते हैं इसलिए इसमें जो जैसे आकाश के जैसा कोई गुण आदि उसमें परमात्मा में उसमें कोई गुण विगुण नहीं होते, इस तरह से उसको समझना चाहिए। अब और भी कहते हैं दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा कि देखो मुंच मुंच ही संसार त्यागम मुंच ही सर्वथा, त्यागा त्याग विषम शुद्धम अमृतम सहजम ध्रुवम, यत्सार भूतम अखिलम कथितम मयाते, न त्वम न चते न महतो न गुरु न शिष्य, स्वच्छंद रूप सहजम परमात्मत्वम ज्ञानामृतम समरसम गगनोपमोहम। कहते मैंने ऐसा निश्चय किया है कि ये संसार जितना भी है ये सब माया का संसार है, और उसमें यहां तक माया जब इतनी हमारे समझ में परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ रह नहीं जाता, देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुविधा रह जाए एक, तो देखते देखते सबका निराकरण करते करते ये इंद्रियां भी मैं नहीं, मन भी मैं नहीं, बुद्धि भी मैं नहीं, अंतःकरण भी मैं नहीं, शरीर भी मैंने, ये श्रुति में जो नीति जो कहा स्थूल शरीर मैंने, सूक्ष्म शरीर मैंने, कारण शरीर मैंने, तो फिर मैं कौन हूं? तो मैं हूं ये कहा नहीं जाता, उसका अनुभव रियलाइज किया जाता है। तो बोले फिर जब ऐसी अनुभूति हो जाती है तो फिर बोले मैं किसको प्रणाम करूं, आप ही गुरु आप ही चेला, अपना खेल आप ही खेला। अगर ऐसा कोई ज्ञानी हो जाता है
तो वो गुरु को भी प्रणाम नहीं करता, लेकिन वह भाव नहीं होता है, क्योंकि उसको गुरु में भी अपना आत्मा ही उसको दिखाई पड़ता है, अपना आप ही दिखाई पड़ता है। ऐसी बुद्धि होती, ऐसी बुद्धि होती। अब देखो हम लोग क्या कहते हैं, कई बार हम लोगों को आधा ब्रह्म ज्ञान होता है, कहते हैं बाबा जी मुझे आधा ब्रह्म ज्ञान हो गया। बोले क्या हुआ? बोले मेरा सब कुछ सबका और सबका सब कुछ मेरा, ये पूरा ब्रह्म ज्ञान होता है। कहीं भेद दिखाई पड़ता नहीं है उसको, सबका सबकी सब वस्तु अपनी लगती है, अपना सब सबका लगता है, एक जैसा लगता है सब। तो बोले मुझे आधा हो, आधा क्या हो गया, कि मुझे दूसरे की चीज अपनी लगती है तो अपनी दूसरे की नहीं लगती। आधा ब्रह्म ज्ञान खतरे वाला होता है। तो ये कई बार हम लोग, इसलिए यह भ्रम की बात नहीं है इसको स्थिति, क्योंकि जब तक हमें ये होता नहीं है तब तक गुरु जी को प्रणाम करना, भगवान को प्रणाम करना, पूजा नहीं छोड़ना, उपासना नहीं छोड़ना। लेकिन इस शरीर छोड़ने के पहले ऐसी स्थिति अगर बन जाए, तो फिर अगर हम तो कहीं हमने तीर्थ नहीं किया, हम काशी नहीं गए, हार कैसे होगा, फिर हम मर गए, फिर हमको जन्म तो लेना पड़ेगा, अगले जन्म में फिर हमको काशी जाना पड़ेगा। इसलिए उसके लिए बताइए, ये सब समझ के कम से कम रख लो। तो कहते हैं क्या होता है, हम लोग संसार को छोड़ते हैं, मुंच मुंच ही संसारम, संसार को छोड़ दिया। कई बार हम संसार को छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें हम त्यागी हो जाते हैं, कपड़ा पहनना छोड़ देते हैं, अन्न खाना छोड़ देते हैं, फिर हमको लोग कहते हैं त्यागी जी महाराज आ गए, त्यागी जी महाराज की जय हो। अब हम जो हम त्यागी जी बन जाते हैं, अब बोले तुमने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया। तो लोग कहते हैं देखो, एक महात्मा कहते थे, कहते हैं कि वो बिल्ली तो रिक्सी में तो घुस गयो ऊंट, बिल्ली को निकालना था तो कहते हैं मान बड़ाई ईर्षा छाई चारों फूट। कहते हैं हमें सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि हम बहुत बड़े त्यागी हैं। तो बोले बेटा मुंच मुंच ही संसार, संसार को छोड़ो, पैसा छूना छोड़ दो, कपड़ा पहनना छोड़ दो, मैं शरीर हूं ये भी छोड़ दो, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया ये भावना को भी छोड़ दो। मैंने सब छोड़ दिया तो कहीं ऐसा नहीं करना उसको अहंकार को लेकर मैं छोड़ने वाला हो गया, मैं बड़ा महात्मा हो गया, मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया, इसको भी ऐसा होने का। फिर आगे कहते हैं आवाहनम नैव विसर्जनम वा पुष्पाणि पत्राणि कथम भवन्ति ध्यानानि मंत्राणि कथम भवन्ति समासमं चैव शिवाचनम च। बोले मैं शिव जी का आचरण तो करता हूं, शिव जी की पूजा तो मैं करता हूं, लेकिन आपने मानस शिव जी की मानस पूजा पढ़ी ना, आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा पे विष्णु उपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पवयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोत्राणि सर्वागिरो यद यद कर्म करोम तत्त अखिलम शंभोत वराधन। तो कहते हैं बाबा मुझे आवाहन नहीं करना है, और मुझे किसी का विसर्जन भी नहीं करना है, और मुझे कोई फूल भी नहीं लाना है, और फिर मुझे फल पत्ते भी नहीं चढ़ाने हैं, और फिर मुझे कोई ध्यान भी नहीं करना है, फिर मुझे कोई मंत्र भी नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वहां तो कोई परमात्मा के अलावा तो संसार में कुछ है ही नहीं, इसलिए मेरा तो शिवार्चन माने कुछ भी न करने का भाव जब दृढ़ हो गया वो मेरा शिव जी का पूजन हो गया, ऐसा मानता है। तो नहीं वो नोपासको नहीं मुपास्य रूपम न चोपदेशो न चे क्रिया च संवित स्वरूपम च कथम बदामी स्वरूप निर्माण मना मयोहम। ये संवित को ही मानते हैं। अब जो दत्तात्रेय जी महाराज संवित मानी ज्ञान, आप देखेंगे कि ऐसे ज्ञान को लेकर बड़े बड़े महात्मा पंजाब में जंगलों में बैठे रहते हैं, हिमालय में चले जाते हैं, और वहां उनकी एक अखंड वृत्ति बनी रहती है और उसी में वो हमेशा लीन रहते हैं। तो कहते हैं कोई उपासक नहीं है, कोई उपास्य नहीं है, मैं किसकी उपासना करूं, और उपासना करने वाला और जिसकी उपासना करते हैं दोनों तो एक ही है। कोई उपदेश देने वाला नहीं है, कोई उपदेश नाम की कोई चीज नहीं है, कोई क्रिया भी नहीं है, केवल संदिग्ध स्वरूपम केवल एक ज्ञान मात्र है। कथम बदामी मैं उसको कैसे कहूं, तो निर्वाण अनामय हूं, मैं अनामय हूं और मैं निर्वाण रूप हूं। निर्वाण माने मेरे में कोई गति नहीं है, मेरे में कोई विकार नहीं है, और पिता से माता से कुलम जाती
मेरा कोई पिता नहीं है, पिता तो शरीर का है ना, मैं शरीर नहीं हूं, मेरी कोई माता नहीं है, मेरा कोई कुल नहीं है, मेरी कोई जाति नहीं है, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई, मेरा कभी किसी से स्नेह नहीं हुआ, अब मेरा कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, ये सब कुछ नहीं हुआ, क्यों? ये स्वरूप निर्वाण मना मरो, मेरा तो निर्वाण स्वरूप ही है। विंदति विंदति नहीं नहीं यत्र छंदो लक्षण नहीं नहीं तत्र समरस मग्न भावित पूत प्रलपति तत्व परम अवधूत। ऐसा अवधूत जो महात्मा होता है, वो अवधूत महात्मा, आपने जड़ भरत की कथा सुनी है, ऐसे महात्मा वो कभी पाप कर ही नहीं सकते, कभी सोच भी नहीं सकते। कहते हैं उनके मलमूत्र जब जहां गिरते थे वो उनको भी वहां साफ नहीं करते थे, वो नाते नहीं थे, ऐसे हो जाते थे। तथा भागवत में लिखा हुआ पंचम स्कंद में, तो कहते हैं कई किलोमीटर दूर तक उनके मलमूत्र की सुगंध जाती थी, उनमें सुगंध आती थी। अगर ऐसा क्योंकि उसके मन में भी कोई चिंतन होता ही नहीं है, लेकिन ये सब थोड़ा समझने की जरूरत है। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं अनिकेत कुटी परिवार समम इह संग विसंग विहीन परम, इह बोध विबोध विहीन परम किम रोग सी मानस सर्व समम। बोले अरे मन तो क्यों रोता है, अनिकेत कुटी परिवार समम, कहीं कोई जो मेरी कोई कुटी बनाता है तो कुटी, महात्मा जी पंजाब में थे, वो कहीं पेड़ के नीचे रहते थे, तो उसने देखा कोई बाबा जी वर्षा हो जाती है, आप पेड़ के नीचे रहते हो, आप हमारे गुरु हो, हम बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, आपको बिल्डिंग बना देते हैं। उसने कहा बेटा जरूरत नहीं, बोले एक छोटी सी झोंपड़ी, अच्छा अच्छा करो, तो बाबा जी को राजी किया एक घास की झोंपड़ी बनाने के लिए। घास की झोंपड़ी बनाई तो बाबा जी ने कहा चलो, मैंने कि मैं नहीं चाहता हूं, बोले बाबा जी हम बनाएंगे, हम देखभाल करेंगे, चिंता ना करो। एक दिन वो घास की झोंपड़ी जल गई तो सोचे कि एक आ गया, कहता बाबा जी मैं पक्की बनाता हूं, पक्की, बाबा जी देखते रहे पक्की बना दे। वो दूसरा कोई आया बोले बाबा जी आपके गुरु जी आए तो आप बाहर बैठ के पेड़ के नीचे गुरु जी को आपने झोंपड़ी में रख दिया, दो होनी चाहिए, दो बना दी। बोले बाबा जी सत्संग होता है चार होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भक्त लोग भी आकर रुक जाए तो कितना अच्छा है। तो बोले गुरु जी छह होनी चाहिए, दस होनी चाहिए, उसमें पचास हो गई। एक बोला बिजली होनी चाहिए, एक बोला पानी होना चाहिए, एक बोला ये होना चाहिए, वो होना, अब तो बढ़िया महल बन गया, क्या कहना, जंगल में इतना बड़ा। लेकिन जो पहले दिन जिसने कहा था बाबा जी झोंपड़ी बनाने, वो बड़ा समझदार था, कहता बाबा जी आपसे एक बात पूछे। बोले क्या? आपने ये सब कुछ बना लिया? अरे हम तो गृहस्थी आदमी है, आप तो महात्मा हो, हमारी लड़का लड़की आपके चेले चेली, और हमारा घर और आपका आश्रम, अंतर क्या हुआ आप में हमने? बोले गुरु जी ने कहा बिल्कुल हम यही बात सुनने को बैठे थे तुमसे। बोले आराम से, बोले हम उसका उत्तर बाद में देंगे। बोले देखो ये तो बड़े अपमान की बात है, बनाया आपने, हमने बना किया, पर वही आदमी है, पर आज हमारे ऊपर लग रहा है, हमने तो बनाया नहीं। लेकिन बोले कोई बात नहीं बेटा, दो चार महीने बीत गए, वो बैसाखी आई, बोले चलो पंजाब में बैसाखी बहुत मनते हो, हरिद्वार चलते हैं, दो चार बस ले आओ, हरिद्वार पहुंच गए सब लोग नहाने के लिए, गुरु जी हर की पौड़ी पहुंचे, बोले सबसे बुलाओ, हजारों शिष्य सबको आ गए, बोले हाथ में गंगा जल लो, हाथ में सबने गंगा जल लिया, बोले मेरे जैसे लोग वैसे बोलो। अब महात्मा तो गुरु जी थे ही, बोले जैसे बोलेंगे हम भी बोल देंगे। बोले हे गंगा मैया, सब लोगों ने बोला हे गंगा मैया, तो बोलते सब लोग देखा सब बोल रहे हैं ना, हाँ हे गंगा मैया, हे गंगा मैया मेरा कख ना रहे। बोले बाबा जी तुसी बोलो, असी नहीं बोल सकते। बोले क्यों बेटा, हमने तुमने अंतर क्या है? बोले नहीं अंतर है। तो ये अनिकेत कुटी परिवार समन, ये संग विसंग विहीन परम, ये बोध विबोध विहीन परम किम रोग सी मानस सर्व समम। कुटिया बन गई तो कोई परवाह नहीं, कुटिया नहीं बनी तो कोई परवाह नहीं, बढ़ गए बाल तो क्या परवाह, मिल गया माल तो क्या परवाह, बने कंगाल तो क्या परवाह, बोध विबोध विहीन परम किम रोग सी मानस सर्व समम। तो इस प्रकार से नहीं मोक्ष पदम, नहीं बंद पदम, नहीं पुण्य पदम, नहीं पाप पदम, नहीं पूर्ण पदम, नहीं वित्त पदम किम रोग सी मानस सर्व समम। दत्तात्रेय जी कहते हैं मोक्ष कुछ नहीं है, बंधन कुछ नहीं है, पुण्य कुछ नहीं है, पाप कुछ नहीं है, पूर्णता कुछ नहीं है और रिक्तता कुछ नहीं है,
तो क्यों रोते हो? माने सब जगह परमात्मा ही है ऐसा देखते हैं। गगनम पवनो नहीं सत्यमिति धरणी दहनो नहीं सत्यमिति यदि चैव निरंतर सर्व शिवम जलदश्च कथन सलिलम च कथन। बोले आकाश पवन धरणी अग्नि ये सब सत्य नहीं है, परमात्मा से ही आकाश होता है, परमात्मा से ही वायु होता है जो संसार बनता है। वेद में क्या लिखा है? आत्मा नाम आकाश असंभू, तो आकाश और वायु, वायु अग्नि, अग्नि रापा अग्नि पृथ्वी। परमात्मा से आकाश होता है, आत्मा से आकाश से वायु होती है, वायु से अग्नि होती है, अग्नि से जल होता है, जल से पृथ्वी होती है, और पृथ्वी से भी सारे संसार के सब जीव हो जाते हैं। लेकिन प्रलय में पृथ्वी जल में जाती है, जल अग्नि में जाता है, अग्नि वायु में जाता है, वायु आकाश में जाता है, और आकाश से परमात्मा में जाता है। और है तो सबका कारण परमात्मा है, तो परमात्मा ही अनेक रूप वाला बन जाता है, संसार बन जाता है। तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते? महात्मा कबीर कहते आवे न जावे मरे नहीं जन्मे सोई मिली पीव हमारा हो ना प्रथम जननी ने जन्मो ना कोई सृजन हारा हो साध न सिद्ध मुनि ना तपसी ना कोई करत असारा हो तो ना सर्व दर्शन चार वर्ण में ना आश्रम व्यवहारा हो। इस तरह से तो नत्र देवा सोहम शक्ति निराकार से क्या शब्दातीत अटल अविनाशी क्षर अक्षर से न्यारा हो जो इस रूप निरंजन नहीं ओम ओंकारा हो धरनी न गगन पवन न पानी न रविचंदा तारा। इस प्रकार से भगवत गीता को महात्माओं ने अपनी वाणी में भी कहा है, कुर्बानी में भी इस तरह का कई जगह वर्णन आता है। और कहते हैं रक्षा कर्पट विरचित कंथ पुण्य अपुण्य विवर्जित पंथ शून्य गारे तिष्ठति नग्न शुद्ध निरंजन समरस मग्न। तो ये गुदड़ी बनाते थे महात्मा लोग, उसका भगवत गीता में वर्णन है कि कहीं भी किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। कोई दर्जी लोग कपड़े या कोई कपड़े सीता है तो अपने कपड़े काटता है तो कुछ टुकड़े फेंक देता है, उस टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया, एक सुई धागा ले लिया और जोड़ जोड़ के एक बड़ा सा गुदड़ी बना लिया, उसको गुदड़ी कहते हैं, उसमें हजारों काट लगी हुई है, उसको बनाकर उसी को ओढ़ लेते हैं, उसी को बिछा लेते हैं, उसी को तौलिया की जगह यूज कर लेते हैं, उसी को कुर्ते की जगह, उसी को कंबल की जगह, वही एक उनका वस्त्र है, इस तरह से रहते हैं। और उनको कोई ऐसा रक्षा करपट व्यचित कंथा, ऐसा कंथा बन गया कपड़ा, पुण्य पुण्य विवर्जित कंठ, कोई पुण्य नहीं कोई पाप नहीं, और शून्यगारे जंगल में कहीं एकांत में रहता है, जंगल में जोगी बसता है, न रोता है न हंसता है, कभी रोता है कभी हंसता है, जैसा भी रहता है, मन में आनंद बरसता है, आनंद में रहता है। और कोई किसी ने कहा कि बाबा जी तुम जो इतने हम आपके लिए बढ़िया हमारे तुम भाई हो तुम्हारे घर चलो, तो कहते हैं उसकी बोले तुम्हारे घर क्या करेंगे, बोले हम शक्तिशाली हैं हमारे पास रहो, बोले तुम्हें क्या शक्ति है, मेरी सुई को निकालो, तो सुई को जल में फेंका तो उस सुई को निकालेगा, लेकिन इनके कहने से मछली ने सुई को निकालकर इनके हाथ में दिया। तो सारे संसार में आत्मा को वैसे देखा है। अंत में हम एक थोड़ी सी बात कहकर के विश्राम दे दें। अद्भुत गीता के आठवें अध्याय में अद्भुत के लक्षण बताए, अद्भुत के लक्षण तो हमने कल बता दिए थे, लेकिन इसमें कुछ और लक्षण है जो मुनि के लक्षण कहा उसको मुनि। हम लोग जो ये विचार करते हैं साधना करते हैं ये मुनि मुनि हम लोग मुनि हो जाते हैं, मुनि का मतलब मनन करते हैं, बार बार विचार करते हैं, बार बार विचार करते हैं, विचार करते हैं, करते ही रहते हैं, तो ये भी एक साधना है। आप पूजा करते हैं पाठ करते हैं वो भी साधना है, लेकिन बैठकर विचार करते हैं तो क्या विचार करना, मुनि का लक्षण क्या है? कामई अहत धीर दांत मृदु शुचि अकिंचन। कैसे होते हैं ये? इनके भीतर कोई कामना नहीं होती और ये बड़े बुद्धिमान होते हैं और ये इंद्रियां इनकी अपने कंट्रोल में होती हैं, दांत होते हैं मृदु, लेकिन कभी किसी से कड़वा नहीं बोलते, हमेशा मीठा बोलते हैं, अकिंचन होते हैं, अपने को कुछ भी नहीं समझते हैं, अपने को बहुत बड़ा साधु या महात्मा भक्त नहीं समझते, अनिन्न होते हैं, कोई भी उनकी इच्छा नहीं होती, कहीं कुछ वासना नहीं रखते, कुछ कोई उनकी बड़े बनने की इच्छा नहीं होती, और मितभुक्त जो थोड़ा सा मिल जाता है जिससे जीवन चल जाए, खाने के लिए नहीं जीते जीने के लिए खाते जो मिल जाता है, और शांत होते हैं, कहीं लड़ाई झगड़ा किसी से खटपट करने वाले नहीं होते, स्थिर होते हैं। तो मत छरना मुनि, और कैसे होते हैं वो फिर
दत्तात्रेय जी कहते हैं वो दत्तात्रेय भगवान है, वो कहते हैं मेरी शरण रहते हैं, हमेशा अपने को परमात्मा की शरण में मानते हैं। जब तक ऐसा भाव नहीं मिटता है कि मैं अलग हूं परमात्मा अलग है, तो मैं परमात्मा की शरण हूं ऐसा मान लेते हैं, इनको मुनि कहते हैं। और दूसरा बताया अप्रमत्ता गंभीर आत्मा धृतिमान जित सदगुण अमानी मानद कल्पो मैत्र कारुणिक कवि। तो कहते अप्रमत्त, अप्रमत्त माने सावधान रहते हैं हमेशा आप, क्योंकि ये ज्ञान का मार्ग सावधानी का मार्ग है, ज्ञान के मार्ग कृपाण की धारा परत खगेश लगे नहीं बात। हम लोग ज्ञान ब्रह्मदर्शी बन जाए और जरा सी देर में काम क्रोध आदि हमको घेर ले तो सब काम चौपट हो जाता है। इसलिए कह सकते हैं असावधान नहीं होते, सावधान होते हैं, अप्रमत्त और गंभीर होते हैं और इनका चित्त गंभीर और धैर्यशाली होते हैं और काम क्रोध लोभ मोह इनको जीतने वाले होते हैं, अमानी होते हैं अभिमान नहीं करते और दूसरों को मान देते हैं और सबके मित्र रूप में रहते हैं और उनके भीतर करुणा भी होती है दया भी होती है, किसी का दुख भी नहीं देख सकते, ऐसे इनको बताए। और बताते कृपालु अति द्रोह तितिक्षु सर्वदेही नाम सत्य सारो अनवध्यात्म सर्व समा सर्वोपकार। कृपालु होते हैं, किसी से द्रोह नहीं करते, वही ईर्षा नहीं करते, किसी को देख के जलते नहीं। तितिक्षु होते हैं, सब कष्टों को दुखों को सह लेते हैं और सत्य का सार ग्रहण करके रहते हैं और कभी भी इनमें कोई दोष नहीं होता है और सबका उपकार करने वाले होते हैं, इनका सबके साथ समान व्यवहार रहता है। तो ये और भी इन्होंने एक और बात बताई, कहते हैं अगर ऐसा कोई नहीं है और उसकी बुद्धि विपरीत है तो विपरीत बुद्धि वाले को इन्होंने दत्तात्रेय जी ने कौवे के समान बताया। आत्मानं चामृतं हित्वा अभिन्नं मोक्षमद्वयम् गतो उच्चतः काको वटति नरकं प्रति। कि जैसे कौवे को कोई साधा कोई बढ़िया अमृत भी खाने को दो तो कौवा अमृत नहीं खाएगा लेकिन गंदी चीज में जाकर मुंह डालने लग जाएगा। तो ऐसे हम लोग अगर ज्ञान को ना प्राप्त करके संसार के ही पदार्थों में अपना मन लगाएं आसक्त हो जाएं तो इसलिए वैसा ना करें। उसको कौवे के समान कहा तो हमारे काला तो में हंस हो गई जदो लगी हां गुरा दीदी सरणी। ऐसा हम लोग गाते हैं कि अगर महापुरुषों के साथ रहते हैं ऐसा ज्ञान प्राप्त करते हैं तो कौवा गंदगी खाता है, हंस मोती खाता है, मोती चुभता है। और अंत में चित्त को संभालने की बात कहते हैं चित्ता कांतम धातु बद्धम शरीरम नष्टे चित्ते भातवो यांति नाशम तस्मा चित्तम सर्वतो रक्षणीयम स्वस्थे चित्ते बुद्धयो संभवन्ति। तो देखो वहां पर अंतिम अध्याय में कहीं कुछ ऐसा कहा गया है कि स्त्री की निंदा, लेकिन स्त्री की निंदा नहीं वासना की निंदा। स्त्री और स्त्री को पुरुष में आसक्ति हो जाती है, पुरुष को स्त्री में आसक्ति हो जाती है, सारा ज्ञान खराब हो जाता है। इसलिए चित्त को ठीक रखना, चित्त ठीक है तो आपका शरीर भी ठीक है और यदि आपका चित्त ठीक नहीं है तो आपका मन ठीक नहीं होगा, फिर इंद्रियां भी ठीक नहीं होंगी, फिर आपका शरीर भी बिगड़ जाएगा, शरीर सारी धातुएं नष्ट हो जाएंगी। इसलिए हमेशा चित्त को ठीक रखना, इससे बुद्धि ठीक हो जाती है। तो दत्तात्रेय भूतेजो नृतानंद रूपिणी ये पठंती शृण्वन्ति तेषां नैव पुनर्भवः। दत्तात्रेय नाम के अद्भुत ने ये आनंद देने वाली अद्भुत गीता लिखी, जो इसको पढ़ते हैं और जो इसको सुनते हैं उनको आनंद हमेशा आनंद रहता है। सत्कथासु प्रवर्तन्ते सज्जना ये जगतिता निंदायां फलहेवापि असंतो पाप तत्परा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा हम जरा सा गुनगुनाएंगे, एक मिनट गुनगुना के उसके बाद में आप आगे का जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो गुनगुनाने के लिए हमारे पास आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का एक छोटा सा स्तोत्र है और उसको ज्यादा नहीं थोड़ा सा हम पढ़ेंगे बड़े प्रेम से। Yeah.
शंकराचार्य भगवान ने ये कहा कि मैं शिव हूं, मैं आत्मा हूं। तो ये जो हमने अवधूत गीता थोड़ा सा आपको कहा, एक साधारण सा चिंतन, ये हम लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए, आगे इस पर विचार करना चाहिए कि, और ये बड़ा आवश्यक है। भगवान करे हम सबको मंदिर मस्जिद में जाने, मंदिर में जाने के लिए हमारी शक्ति बनी रहे, लेकिन कभी कदाचित हम कहीं ऐसा साधन हमें ना मिले, तीर्थ में ना जा सकें, तो ये आत्मचिंतन हमारे काम आता है। हम कहीं सत्संग में ना जा सकें तो ये आत्मचिंतन जो अद्भुत गीता में किया गया, मैं आत्मा हूँ, ये चिंतन हमें लाभ देता है। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे बड़े प्रेम से। Thank you.
पर नहीं है। और इसी प्रकार से जो जो कार्यक्रम जो चलते हैं ये सोचना है स्वामी जी, ये सोचना तो सिर्फ यही है कि अगले आप दिन जी ले आप